क्या व्हाट्सएप के अब आखिरी दिन चल रहे हैं? क्या व्हाट्सएप अब पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है? और क्या पब्लिक इसको इस्तेमाल करना बंद कर देगी? क्या इसमें फीचर्स की अब कमी है? इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। टेलीग्राम एप्लीकेशन, जो कि एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसका ओरिजिन रशिया से है, तो ये जो एप्लीकेशन है जून तक, इसी साल जून तक शायद ये वीडियो कॉलिंग सर्विस भी नहीं देती थी, मतलब इसके थ्रू आप वीडियो कॉल कर नहीं सकते थे। सो लोगों के पास एक जो बेटर ऑप्शन था वीडियो कॉल्स के लिए और एक बेटर मैसेजिंग ऐप के लिए, वो व्हाट्सएप ही था। लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते थे, बिकॉज टेलीग्राम में वीडियो कॉल नहीं हो सकती थी। वॉइस कॉल भी बहुत ज़्यादा बाद ही इंट्रोड्यूस कराई गई उसमें। सो फीचर वाइज व्हाट्सएप आगे था, लेकिन जून के बाद वीडियो कॉलिंग सर्विस हो गई। अभी एक नया फीचर रोल आउट हो रहा है जो कि बेटा स्टेज में था, अभी रोल आउट हो रहा है हर जगह, जिसमें 1000 लोग, जी हाँ, माइंड देना, माइंड करना, 1000 लोग एक साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, ग्रुप वीडियो कॉल्स। क्या बात कर रहे हो? और 1-to-1 कॉल्स में आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं एंड वॉइस भी आप उसमें साथ में, दैट मीन्स प्रेजेंटेशन, ग्रुप वीडियो कॉल्स, कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह बहुत ईजी हो जाएंगी। इसमें भी एक कैच है, 30 लोग एक आमने सामने देखकर एक ग्रुप वीडियो कॉल कर सकते हैं, बाकी के 970 लोग उस वीडियो कॉल को देख सकते हैं। सो आप एक डिजिटल या इंटरनेट ऑनलाइन पार्टी थ्रो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ये बहुत ही बड़ा कदम है एक ऐसी एप्लीकेशन के लिए जिसने सिर्फ जून में ही वीडियो कॉलिंग सर्विस अनाउंस की है, और अब जाके कुछ महीने बाद उसने इतना ज्यादा लिमिट बढ़ा दी। नए इमोजीज आ गए हैं, नए स्टाइल, नए डिजाइन, थीम वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। सिक्योरिटी, प्राइवेसी, इंक्रिप्शन सब टॉप नॉच है टेलीग्राम का। लेकिन व्हाट्सएप में अभी इतने नए फीचर नहीं देखने को मिल रहे हैं। व्हाट्सएप तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है सरकार को लेके, मार्क भैया वैसे ही परेशान है भाई साहब, इधर उधर की चीज़ें फेसबुक पे भी चल रही हैं, वो सब चल रही हैं। तो अगर ऐसा ही रहा तो शायद व्हाट्सएप को लोग कम कर दें इस्तेमाल करना। मैं तो क्यों, टेलीग्राम पर फाइल की कोई लिमिट नहीं है, कितने बड़ी से बड़ी फाइल आप भेज सकते हो। ये एक बहुत उसके एक बड़ी वो है, मतलब फीचर इतना तगड़ा, समझ रहे हो, मतलब 2-2 GB की फाइल भेज सकते हो उससे आप। व्हाट्सएप में ऐसा नहीं है। हाँ, और बहुत सारी सर्विस हैं, गूगल ड्राइव इस्तेमाल करो और वो सब करो, तो फिर तो भाई वो लेंदी चीज़ है, डायरेक्ट आपकी गैलरी से आप क्या भेज सकते हो। तो टेलीग्राम में तो ये है, टेलीग्राम के इमोजीज भी नए आ गए हैं, टेलीग्राम में थीम भी चेंज हो जाती है। तो अगर ऐसा रहा तो व्हाट्सएप पीछे रह जाएगा। व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी जो बदली है ना, हालांकि वो डिले हो गई, बाद में कुछ भी करते रहो यार, बाद में आप बोलते रहो कि भाई हम नहीं लागू कर रहे हैं, बट लोगों को डरा तो दिया आपने, लोगों के कान में तो बात डाल दी ना कि भाई जो भी हम चैट कर रहे हैं, जो भी मैसेज कर रहे हैं, किसी बिजनेस प्रोफाइल से बात कर रहे हैं, तो आप हमारे यार डेटा ट्रैक कर रहे हो। लोगों के दिमाग में अगर एक बार डर बैठ जाए ना, तो फिर आप कितनी पॉलिसी चेंज करते रहो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंसान को अगर थोड़ा भी डर लगेगा ना, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करेगा, वो टेलीग्राम इस्तेमाल करेगा, वो सिग्नल इस्तेमाल करेगा, ओपन सोर्स चीज़ें इस्तेमाल करेगा। वो आपकी एप्लीकेशन क्यों इस्तेमाल करेगा जिसमें ये डर है कि शायद ट्रैक कर रहे हो? अच्छा, पॉलिसी बदल तो दी है, पर क्या पता सीक्रेटली कर रहे हो। लोगों के दिमाग में डर बैठ जाता है, और ये एक बहुत खतरे की बात हो सकती है व्हाट्सएप के लिए। शायद लोग व्हाट्सएप कम इस्तेमाल करें। अब आपकी क्या राय है, आपको कौन सी मैसेजिंग ऐप अच्छी लगती है, मुझे कमेंट में बताइए आप, मैं पढ़ूंगा और जानेंगे यार, देखते हैं कि मतलब कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा चलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 rupees के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। जी हाँ, मैं आपको इथिकल हैकिंग सिखा सकता हूँ, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, जरूर लें आप। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकॉन को प्रेस करें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी वीडियो का। मैं तो आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड गुड।